मैं डॉक्टर आर के तंवर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एवं MBS हॉस्पिटल में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ कैंसर विभाग में। आपको मैं आज स्तन कैंसर के बारे में जानकारी देना चाह रहा हूँ। स्तन कैंसर क्या है? हमारे शरीर में दो स्तन होते हैं, महिलाओं में भी होते हैं पुरुषों में भी होते हैं। इसमें यदि किसी भी प्रकार की गांठ हो जाए तो हमें उसकी जांच करानी चाहिए। जो मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में बता दूं, गांठ दो प्रकार की होती है, एक होती है निर्दोष और एक होती है कैंसर की गांठ। जो कैंसर की गांठ होती है वो आपको ऐसे समझाऊं कि हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से बना होता है। ये कोशिकाएं प्रकृति के नियम के अनुसार ही विभाजित होती है। यदि इनका विभाजन प्रकृति के नियमों के विरुद्ध हो जाए तो ये गांठ या रसोली या छाले का रूप धारण कर लेती है। ये गांठें दो प्रकार की होती है, एक होती है घातक या कैंसर, एक होती है निर्दोष। आज हम घातक रसोली या कैंसर की गठान के बारे में चर्चा करेंगे। जो स्तन में गठान होती है वो उस गठान से स्तन का साइज बढ़ जाता है, गठान महसूस होती है। स्तन की जो चमड़ी है वो संतरे के छिलके जैसी हो सकती है, उसमें छाला हो सकता है। जो महिला का जो स्तन का जो निप्पल होता है वो अंदर की तरफ धंस सकता है। स्तन के निप्पल से दूध जैसे पदार्थ या खून का स्त्राव भी हो सकता है, एवं जो खांक होती है ना एक्जिला, उसके अंदर भी गठाने हो जाती है। तो ये कैंसर के लक्षण होते हैं। और ब्रेस्ट कैंसर के जो प्रकार है ना, वो इसमें ये कार्सिनोमा होते हैं, सार्कोमा होते हैं, लिम्फोमा भी हो सकते हैं। इस तरह के अलग अलग प्रकार होते हैं। कुछ कैंसर धीरे बढ़ने वाले होते हैं, कुछ तेज बढ़ने वाले होते हैं। अब जैसे किसी को इंसान को कैंसर हो गया तो उसका हम कैसे जांच करें? हम लोग तो गठान को देखते ही पता कर लेते हैं कि इसका प्रकार किस तरह का होगा। तो उसमें हम जांचें करते हैं। जो स्तन की गठान होती है उसका, उसमें पतली सुई डाल करके FNAC की जांच करते हैं। FNAC में थोड़ा सा गठान का पदार्थ निकाल के कांच की स्लाइड पे स्प्रेड करके उसको प्रयोगशाला में देख लेते हैं और उससे रिपोर्ट पता पड़ जाती है। ये दर्द रहित प्रक्रिया है और प्रयोगशाला में उसी दिन रिपोर्ट आ जाती है। और इसकी पुख्ता जांच के लिए हम इसकी बायोप्सी करते हैं। कोर बायोप्सी होती है और चीरा लगा के बायोप्सी होती है। बायोप्सी के बाद इसका पूरा पता लग जाता है। तो इस तरह से इसकी जांच का पता करते हैं। FNAC बायोप्सी के अलावा मरीज के दूसरी जांचें भी करते हैं। खून की जांचें हैं, सीने का एक्सरे है, पेट की सोनोग्राफी है, स्तन की मेमोग्राफी है, इस तरह से और जांचें भी करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर से जो, अब कैंसर तो हो गया, अब उसमें जटिलताएं चालू होती है। जो कैंसर की गठान होती है वो अपनी जगह पे फैलती है, आकार में बढ़ती है और अपने आसपास के जो भी अंग होते हैं उनको शामिल कर लेती है। अब जैसे स्तन में आगे चमड़ी होती है, चमड़ी का इन्वॉल्वमेंट होने से उसमें छाला हो जाता है, उसमें मवाद आती है, बदबू आती है। यदि ये गांठ पीछे की तरफ बढ़े तो चेस्ट वाल को इन्वॉल्व कर लेती है, तो ये गठान फिक्स हो जाती है। फिर ये चेस्ट वाल के अंदर जा सकती है, फिर इधर कांख में गठाने हो जाती है। और इन गठानों से जो कैंसर की कोशिकाएं हैं वो अपनी जगह छोड़ करके और लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू लिम्फ नोड में जाती है और खून के रास्ते से शरीर के दूसरे अंगों में पहुंच जाती है, जैसे फेफड़े हैं, लीवर हैं, हड्डियाँ हैं, ब्रेन है, कहीं भी पहुंच जाती है। इस प्रकार से ये बीमारी को जटिल कर देती है। जिस अंग में जाती है उस अंग के लक्षण पैदा कर देती है। मान लो ये गठान फेफड़े में चली गई तो इंसान को सांस की तकलीफ हो जाएगी, फिर लीवर में चली गई तो उसको पीलिया हो जाएगा, लीवर काम करना बंद कर देगा। हड्डी में चली गई तो हड्डी में दर्द हो जाएगा, फ्रैक्चर हो सकता है। मान लो ये कोशिकाएं दिमाग में चली गई तो दिमाग में जाने से इंसान को लकवा हो सकता है, बोलने में परेशानी हो सकती है, चलने में, पेशाब करने में, इस तरह से बीमारी में फैलने से जटिलताएं पैदा हो जाती है।
अब कैंसर में आपको बताऊं घरेलू उपचार क्या करना चाहिए। बीमारी हो गई जो डॉक्टर बताएगा वो तो इलाज करना ही करना है। अपने को खाना खूब खाना है तभी हम इसके इलाज को बर्दाश्त कर पाएंगे। मिर्च मसाला कम खाएं। यदि पहले कोई तंबाकू गुटखा जर्दा नशे का सेवन शराब का कोई करता हो तो वो बंद कर दें। पानी ज़्यादा पिएं। ये घरेलू उपचार होते हैं और इसके इलाज में कैंसर स्तन के इलाज में जो जो इलाज के प्रकार होते हैं सबसे पहले होती है सर्जरी। चीर फाड़ करके अंग को निकाल देते हैं। आजकल आधुनिक तरीकों से इलाज होने से स्तन के अंग को बचाया भी जा सकता है। फिर ऑपरेशन होने के बाद में उसकी बायोप्सी रिपोर्ट के हिसाब से आगे तय किया जाता है कि इसको रेडियोथेरेपी चलेगी, कीमोथेरेपी चलेगी, हार्मोन थेरेपी चलेगी या टारगेट थेरेपी चलेगी। ये सब तय करके और आगे इलाज किया जाता है। इसको हम एक ठीक होने वाले कैंसर की श्रेणी में रखते हैं। स्तन का कैंसर पुरुषों में भी हो जाता है। वो पुरुषों का कैंसर ज़्यादा घातक होता है, ज़्यादा जल्दी फैलता है और पुरुष और महिला का इलाज एक जैसा ही होता है। हमारे जो सरकारी अस्पताल है महाराजा भीम सिंह चिकित्सा, इसमें कैंसर के लिए रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, सर्जरी सब तरह का इलाज सुविधा उपलब्ध है। मरीज किसी भी दिन आकर के अपना चेक करा सकता है और सरकारी सुविधाएं लगभग निशुल्क है और मरीज को अच्छे से ध्यान दिया जाता है। स्तन कैंसर के कारणों के बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। स्तन कैंसर के कारण बहुत सारे कारण हैं, कुछ कारण पता भी नहीं है। जो हमें पता है उसमें सबसे पहले मरीज़ की उम्र। जैसे जैसे मरीज़ की उम्र बढ़ती है कैंसर का होने की संभावना उस महिला में बढ़ जाती है। जैसे 70 साल के बाद बढ़ जाती है, जो भी जीवित महिलाएं होती है 80 साल 90 साल तो मरीज हमारे पास आते रहते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ संभावना बढ़ जाती है। जिस महिला का मेंसेस उसका पीरियड यदि जल्दी समय से पहले शुरू हो गया हो 12 साल 13 साल में और यदि रजोनिवृत्ति ये पीरियड बंद होना यदि 45 साल के बाद होता हो उस महिला में इस स्तन कैंसर का संभावना बढ़ जाती है। फिर लेट उम्र में शादी होना, लेट उम्र में बच्चे पैदा होना और बच्चे को स्तनपान कम करवाना ये भी कैंसर के कारण है। महिलाएं गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल करती है उसमें भी संभावना होती है कि इस कैंसर का कारण बढ़ जाता है। फिर जो उसके महिला के ब्लड रिलेटिव होती हैं जैसे बहन है, माँ है, नानी है, लड़की है, इनमें कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है। ब्लड रिलेटिव में इसके कुछ जेनेटिक्स कारण होते हैं उसमें ज़्यादा होती है। एक स्तन में कैंसर हो जाए तो उस महिला में दूसरे स्तन में कैंसर होने की संभावना भी बढ़ जाती है। फिर जिस महिला को स्तन कैंसर हो गया तो उस महिला को गर्भाशय का कैंसर है, थायराइड का है, आंतों का कैंसर होने की संभावना भी बढ़ जाती है। इस तरह से ये संभावनाएं होती है। एक महिलाओं में स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। महिला को 40 साल की उम्र में अपना स्तन का जांच कराना चाहिए। मेमोग्राफी से जांच होती है, जो पहली बार कराते हैं उसको बेसलाइन मेमोग्राफी कहते हैं। यदि सब कुछ ठीक है तो हर दो तीन साल में एक बारी मेमोग्राफी करा लेनी चाहिए। 50 साल के बाद में हर साल मेमोग्राफी करानी चाहिए। फिर महिला को अपनी जांच, स्तन की जांच महिला स्वयं भी कर सकती है। उसमें ऐसा होता है कि महिला को जो मासिक धर्म आता है ना उसके 5वें दिन अपने स्तन की जांच खुद कर सकती है वो। तो उसके तरीके हैं वो हम महिलाओं को बता देंगे। और जिस महिला की रजोनिवृत्ति हो गई है वो महिला जैसे महीने की पहली तारीख को अपना स्तन का खुद जांच कर सकती है। तो ऐसे वो ये बीमारी जितना जल्दी पकड़ में आएगी उतना ज़्यादा क्योरेबल होगी
और ठीक होने की संभावनाएं भी ज़्यादा होगी। धन्यवाद।